सुभान के लिए इबादत की मोहब्बत। सुभान इबादत संग मन्नत की मस्ती। जी टीवी के सीरियल रब से है दुआ में जब से सुभान की एंट्री हुई है तब से इबादत खोई खोई रहने लगी है। आफ्टर ऑल वो सुभान से प्यार जो करती है, और आज भी देखिए कैसे फूलों का गुलदस्ता लिए वो सुभान के ही ख्यालों में डूबी हुई है कि तभी वहाँ पर हो जाती है सुभान की एंट्री, जो इबादत से टकरा जाते हैं, और इसी टक्कर में उनकी जेब से निकल जाता है वो तोहफा जो वो अपने प्यार को देना चाहते हैं। वो तो बहुत क्लियर है आई थिंक, जैसे ही वो सुभान को पहली बार भी देखती है आई थिंक आप लोग समझ ही गए होंगे, सब लोग समझ ही गए होंगे कि इबादत हैज़ फॉलन फॉर हिम, शी लाइक्स सुभान। मतलब वो इतना अच्छा है, हर एक वो इसको ऐसे ही देखती रहती है कि हाउ नाइस हाउ स्वीट। तो इबादत डेफिनेटली हैज़ स्टार्टेड फीलिंग फॉर सुभान। सुभान क्या फील करता है, मन्नू क्या फील करती है, ये राज है, ये दोनों बहुत सीक्रेटिव है। इबादत बहुत बोली है, वो जो है वो दिखा देती है, पर ये सीक्रेट मैडम। मेरे मन में तो इतनी सारी फीलिंग्स हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे खुद को भी अभी सीक्रेट ही लगता है वो सब कुछ कि क्या फीलिंग्स है। पर एक क्लियर है कि मन्नू की फीलिंग्स इब्बू के लिए बहुत क्लियर है, इब्बू के लिए क्लियर है, बाकी सब के लिए कन्फ्यूजिंग हो सकती है, लेकिन इब्बू मेरी जान है उसके लिए क्लियर है। मन्नत भले ही अपनी बहन पर जान छिड़कती हो लेकिन सुभान वो मन्नत को चाहते हैं और ये तोहफा मन्नत के लिए ही है। हालांकि मन्नत उन्हें तो यही लगता है कि सुभान भी इबादत से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, इसीलिए तो देखिए कैसे उन्हें जीजा समझकर उनके साथ छेड़छाड़ कर रही हैं। हम बहुत परेशान कर रहे हैं बेचारे, क्योंकि सुभान ने भी हमें परेशान करके रखा है। यस, कितना कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है ना वो, हम दोनों को बेचारे को कंफ्यूज कर रहा है, तो हम थोड़ा उसको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो बेचारी मासूम सी है, ज़्यादा परेशान नहीं करती, लेकिन मैं हूँ ना इसकी प्रोटेक्टर प्लस परेशान करने वाली, सब कुछ डबल करती है मेरे हिस्से का भी। मन्नत को भी नहीं पता, तभी तो वो जानने की कोशिश कर रही है क्योंकि बहुत एक्साइटिंग हो रहा है अभी। वो बोल रहे हैं हमसे रहा नहीं जा रहा, भाई बता दो किसके लिए है, बहुत सस्पेंस बिल्डअप हो गया है। तो मन्नत को भी आइडिया नहीं है कि ये किसके लिए है, बस छेड़ाछाड़ी में निकलवा रही है वो उससे। खैर ये मामला लव ट्रायंगल वाला है, फिलहाल तो घर में गुलनाज भी अपना षड्यंत्र रच रही हैं, अपने बेटे अरमान की शादी मन्नत से करवाने की सोच रही हैं, और अरमान वो तो मन्नत से शादी करने के सपने देख रहा है, और उसके सपने देखकर देखिए कैसे गुलनाज नाराज होने लगती हैं। साजन जी घर आए, साजन जी घर आए, मन्नत क्यों शर्माए, मेरी मन्नत क्यों शर्माए। मर्द को भी दर्द होता है कभी कभी। मारूंगी तुझे मैं अरमान, बहुत मारूंगी मैं तुझे। अरे तुझे मैंने दवा खिला खिला के इतना मजबूत बनाया कि मैं कमजोर हो गई हूँ, मगर तेरे ना दिमाग में ताकत है ना बदन में। ना क्या मेरी बात, तू पहले ध्यान से सुन, बात मेरी ध्यान से सुन। पहले लड़कियां नाजुक जरूर होती है, नादान जरूर होती है, मगर बेवकूफ नहीं होती है, बेवकूफ। इससे पहले कि गुलनाज अपनी गंदी चाल चलती वहाँ पर पहुँच जाती है इबादत, जिसे पता चल गया है कि गुलनाज क्या रच रही है। इबादत ने दे दी है धमकी गुलनाज को। कैसा सच ये कि आप दोनों मन्नत को अरमान के साथ शादी कराने के लिए हंसाने की साजिश कर रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या गुलनाज इबादत की इस धमकी से डर जाएगी या कोई नई चाल चलेगी। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो 24/7 करते हैं आपके एंटरटेनमेंट के सपनों को पूरा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय जरूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें, और हाँ साथ के साथ हमें फॉलो करें अब व्हाट्सएप पर भी।
और इंस्टाग्राम पर भी, नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।